बहुत हुआ ये। सासू माँ हर बार मजे लेती है बाहर जाके और हम गैस के पीछे जल रहे हैं। उनको क्या लगता है हम सिर्फ चूल्हा चोखा करने के लिए हैं? नहीं, हमारी भी जिंदगी है और हमें वो जीनी है। बिल्कुल, हमारा पूरा हक है एंजॉय करने का। तो क्या कहते हो महिला मंडली, चले ब्यूटी पार्लर? ये भी कोई पूछने की बात है? तो ये तय रहा, हम जाएंगे आज A1 ब्यूटी पार्लर। पर शर्मिला, श्रेया की दादी तुमको परमिशन देगी? वो क्या देंगी मुझे परमिशन, मैं खुद ससुर जी से परमिशन ले लूंगी, फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है। सच में कुछ पुण्य का काम किया होगा तुमने जो ऐसे ससुर जी मिले हैं तुमको। वो तो है, मेरे पिछले जन्मों का पुण्य। मैं अभी मेरे घर का सारा काम निपटा के आती हूँ, फिर चलेंगे A1 ब्यूटी पार्लर। हाँ चलो चलो। ससुमा, ससुर जी ने मुझे परमिशन दी है और मैं आ जा रही हूँ A1 ब्यूटी पार्लर में सुमित्रा और शशिबेन के साथ। मार दी मेरी कॉपी। क्या कॉपी? बस फर्क इतना है मैं सुंदरियों के साथ गई थी, तू छुछुंदरियों के साथ जा रही है। आपको जो बोलना है बोलिए, मैं तो कहती हूँ आज दिन भर बोलिए, क्योंकि घर पे मैं तो नहीं हूँ सुनने के लिए। आप कीजिए घर में एंजॉय, मैं करती हूँ बाहर एंजॉय। मेरी प्यारी बहनों, चले चलो। हेलो मधुरा जी, वेलकम टू A1 ब्यूटी पार्लर। ये मेरी दोस्त है। अच्छा आइए। ये भी मेरी दोस्त है। ओ आइए आप भी। कहीं आप सब किलबिल सोसाइटी के मेंबर्स तो नहीं? हाँ हम किलबिल सोसाइटी में रहते हैं। आपकी सोसाइटी से पिछले हफ्ते 4 औरतें आई थी मेरे पास। हाँ उनमें से जो बुढ़िया थी ना, जो बुजुर्ग थी, वो मेरी ससुमा है। ओह तो वो आपकी सास है। अच्छी है, पर वही दिखती है हमेशा। आपको मैं पहली बार देख रही हूँ मेरे ब्यूटी पार्लर में। क्या करें, घर में बहुत काम होता है। सुबह उठो, घर का काम करो, बच्चों का देखो, पति का देखो, हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाउसवाइफ का तो यही होता है, सबके लिए टाइम, खुद के लिए नो टाइम। पर आज हम टाइम निकाल के आए स्पेशली। एकदम बराबर। चलो अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सबने खुद के लिए टाइम निकाला। क्या क्या करना है आपको? मैं तो थ्रेडिंग करने वाली हूँ। आपके पास कोई स्कीम है, जैसे कि होता है ना वो इसके ऊपर एक फ्री, वैसा फेशियल के ऊपर आईब्रो फ्री, ऐसा कुछ? माफ कीजिए पर मेरे ब्यूटी पार्लर में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो पहले कौन आ रहा है आप में से? पहले सुमित्रा का कीजिए। ठीक है मैं करती हूँ पहला। आइए। हाँ वाओ काफी कंफर्टेबल है मधुरा। या क्या करना है आपको? मैं स्ट्रेटनिंग करने वाली हूँ। स्ट्रेटनिंग? स्ट्रेटनिंग क्या होता है? स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है बालों को सीधा करना। अच्छा हाँ, क्या बात है, आप पहले कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई? नहीं, शादी के वक्त गई थी ब्यूटी पार्लर, उसके बाद आ जाई हूँ मैं। हे? शादी के बाद तुम पहली बार आ रही हो ब्यूटी पार्लर? क्या बात कर रहे हो, शादी के बाद पहली बार है आपका? हाँ शादी के बाद मेरी पहली बार है ब्यूटी पार्लर में आना। फिर तो मुझे आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। शशिबेन आप कितने साल बधाई हो? वैसे मैं भी 5 साल बाद आई हूँ। 5 सालों बाद? टाइम ही कहाँ मिलता है, ये करो वो करो ये करो वो। हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है, वक्त ही नहीं मिलता। सुमित्रा तुम? मैं तो हर 2 महीने में आती हूँ। अपनी भी कोई जिंदगी है, उसको एंजॉय करना चाहिए। ये जो हम करते स्ट्रेटनिंग, कितने दिन तक आपके बाल सीधे रहते? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके बालों की केयर कैसे करते हो। और अगर 2-3 दिनों में ऐसे हो गए तो पैसे वापस। जो नाला है ना उसके पास एक चौक है, वहां पे साड़ी की बड़ी दुकान है, वहां से मैंने साड़ी ली थी, 2 दिन पहनी और फट गई, मैंने जाके फिर से दी और पैसे लिए। वैसा नहीं होता यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार आपके पैसे गए तो गए। फिर तो आज भी टेंशन है, मैं नहीं करूंगी ये स्ट्रेटनिंग। हाँ वैसे भी मुझे जरूरत नहीं, ये देखो ना
कितने सीधा है। हो गया आपके बाल एकदम अच्छे और स्ट्रेट भी। थैंक यू मधुरा, काफी अच्छे दिख रहे हैं मेरे बाल। अब कौन आ रहे हैं? मैं आती हूँ अभी। आइए। अच्छे दिख रहे सुमित्रा बन, दिख रहे ना? अगर बाल टेढ़े हो गए तो पैसे लेने आएंगे दोनों मिलके। सच में? हाँ तो पैसे दिए, ऐसा कैसे झगड़ा करेंगे बहुत बड़ा। अगर तुम साथ होगी ना तो मैं जरूर आऊंगी।